व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज जो आप वीडियो लेके आ रही हूँ आपके साथ, जो आने वाला सीजन हमारा, उसके लिए हमारे लिए बहुत कारामद है। उसके लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो ये देखिए, एक मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि ये देखिए ये स्टिचेबल है, यानी कि ये कन्नी नहीं है, इस साइड पे कन्नी है। हमने यूज क्या करना है, इस साइड से, इस साइड को हमने नीचे रखना है, इस साइड को हमने साइड पे रखना है। कपड़ा था नीचे वाली साइड को, ये देखिए ये हमने रखना है नीचे, ये 9x9 का हमने करना है। 9 हमने यहाँ से ले लिया, 9 इस तरह से, इससे निशान, नेट पे निशान अच्छे से नहीं आ रहा, चले मुझे तो आइडिया है, 9x9। अब हम इसका सर्कल बना लेना है, ये देखिए 9। इसको इस तरह से राउंड में, ये हमने सर्कल में यूज क्यों कटिंग कर ली, कटिंग कर ली मैंने इस तरह से। अब आपको मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। कपड़ा जो मैंने लिया था ये था, वहां पर आपको अच्छे से पता नहीं चला, ये डबल है इस तरह से, 9x9 का ये सर्कल मैंने डबल यूं कटिंग कर लिया। उल्टी साइड अंदर की तरफ है और सीधी साइड बाहर की तरफ है। अब हमने सुई धागा डाल के इसका मटेरियल जो रिक्वायर है वो ये है, ये 2 इंच की मैंने, ये देखिए 2 इंच का मैंने ये कपड़ा लिया, इसको डबल किया, सिलाई लगाई और ये मैंने सिलाई इस तरह से ये सीधा कर लिया। ये बो के लिए मेरे पास मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो ये है, और ये इसके लिए, वो भी छोटी सी एक लूपी सी 1 इंच की ली, और इसको मिड में लगाने के लिए। ये मैं आपके साथ बाद में बनाती हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ से ये कोई है मशीन का काम ही नहीं, हैंडमेड काम है। मैंने ये सारा सिलाई से कर लिया। अब हमने इसको यूँ इकट्ठा करना है, ये देखिए इस तरह से इकट्ठा करके ये मेरे पास ये आ गई। इसको यू मैंने पकड़ लिया। अब ये हम इसको इस तरह से मैंने यू किया इस तरह से। अब इसके दरमियान से स्टफ इसका चेंज है, जिस स्टफ से टी शर्ट्स बनती हैं और या नेट हो आपके पास तो इससे बन सकता है। ये हमारी बो इस तरह से रेडी हो गई, और अब मैंने ये जो सिलाई किया था आपके सामने इसके ऊपर यूं रखूंगी, ये ऐसे, वो ये वाला हिस्सा जो था ना ये मैंने कर दिया यूं अंदर, ये नीट वाला हिस्सा मैं ले आई बाहर,